तो आज हम बात करेंगे फाइन आर्ट के बारे में कि फाइन आर्ट होता क्या है, ठीक है, और इसको हम इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं। आपने बहुत बहुत बार सुना होगा फाइन आर्ट क्लासेस, तो ये समझ लेते हैं ये फाइन आर्ट है क्या। फाइन आर्ट को हिंदी में हम ललित कला कहते हैं, और फाइन आर्ट के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो आपने जितने भी टाइप्स के आपने पेंटिंग देखी होगी यूट्यूब पर या अलग अलग किसी से सुना होगा, जो भी आपने अभी करते आ रहे हैं, तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। सपोज जैसे कि ये कुछ लिस्ट है पेंटिंग की, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें, इसे हम फाइन आर्ट कहते हैं इस पूरे कोर्स को। इसके अंदर सारी चीज़ें, पेंसिल शेडिंग हो, चारकोल हो, पेंसिल हो, हैचिंग हो, ऑयल पेस्टल हो, कलर ऑयल एक्रेलिक, सारे मीडियम स्केचिंग वगैरह सब फाइन आर्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये इसकी हेडिंग है फाइन आर्ट, जिसके अंदर हम ऑयल एक्रेलिक चारकोल सब चीज़ सीखते हैं सही तरीके से, सही गाइडेंस के साथ। और कुछ चार चीज़ें हैं जिनको जोड़ के कुछ चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते। जब तक आप इन फोर एलिमेंट्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आप कोई चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। फर्स्ट है लाइन, सेकंड है टोन, थर्ड है टेक्सचर, और फोर्थ है फॉर्म, ठीक है। ये चार चीज़ें हैं क्या, इनको ज़रा समझते हैं आज, ठीक है। और लाइन, डिफरेंट टाइप्स की लाइंस होती हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ज़िगज़ैग लाइन, कर्व लाइन, ठीक है, स्लांट लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन, ठीक है। तो इनको जोड़ के हम कोई चीज़ें क्रिएट कर करते हैं। अगर सपोज आपने इमेजिन करा एक स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, जब तक हम लाइन में कोई यूज़ नहीं करेंगे तो वो चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। सपोज मैंने एक स्क्वायर सोचा अपने माइंड में, तो लाइनों को जोड़ जोड़ के हम स्क्वायर को क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। जब तक हम लाइनों को यूज़ नहीं करेंगे हम कोई चीज़ नहीं लिख सकते। ये चार कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है और इंट्रोडक्शन है, बस ये रफली ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए फाइन आर्ट के से बारे में। जब तक हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, कि पेंसिल्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस कहाँ पे चीज़ें, किस टाइप से चीज़ें ड्रॉ होती हैं, तो बेसिक चीज़ें। तो आज ये थोड़ा सा बेसिक आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं कुछ चीज़ों का, तो इनको आपको जब भी आप कोई चीज़ें ड्रॉ करें, कोई पूछे, तो आपको इनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सेकेंड आता है टोन। टोन को आप शेडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो शेडिंग हम किस लिए यूज करते हैं, टोन का हम यूज क्यों करते हैं? शेडिंग और टोन का हम यूज इसलिए करते हैं किसी भी चीज में रियल इफेक्ट डाल सके, 3D इफेक्ट डाल सके, इसलिए हम टोन का शेडिंग का यूज करते हैं, राइट। 3 टाइप्स की टोन्स होती हैं, डार्क, मीडियम एंड थर्ड इज लाइट, ठीक है। इन चीज़ों को ही यूज़ करके, डार्क के बहुत सारे शेड होते हैं, मीडियम के बहुत सारे शेड होंगे, लेकिन और ऐसी लाइट के भी कई सारे शेड्स, तो लाइट, मीडियम, डार्क यही 3 टोन्स होते हैं जिनको यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट में, फेस में, किसी भी चीज़ में हम रियलिस्टिक लुक डालते हैं, इसलिए हम शेडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा अगर आपसे शेडिंग या टोन का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो सिंपल डेफिनेशन है कि हम किसी भी चीज़ को रियल इफेक्ट, रियल दिखाने के लिए हम शेडिंग का यूज़ करते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है टेक्सचर। व्हाट इज़ द टेक्सचर, इसको समझ लेते हैं जरा, कि टेक्सचर डिफरेंट टाइप के टेक्सचर होते हैं। जो भी बेसिक हमारा जो एक ईजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो मैं, कि किसी भी चीज़ का ना बार बार रिपीट होना, इट्स कॉल्ड टेक्सचर। और टेक्सचर हम इसलिए, जब भी हम वर्क करते हैं ड्राई मीडियम से, जितने भी पेंसिल शेडिंग है, चारकोल है, सोप पेस्टल है, या अदर्स और भी मीडियम्स हैं जो ड्राई मीडियम्स हैं, उनको हम टेक्सचर साइड यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कैनवस भी देखा होगा, कैनवस भी हम जब पेंटिंग बनाते हैं तो टेक्सचर साइड हम वर्क करते हैं। सपोज मेरे पास कुछ फ्रेम्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है,
इसमें मैं डिफरेंट टाइप्स के टेक्सचर क्रिएट कर देता हूँ, मैं अलग-अलग। तो ये इन सब का ना अपना अपना टेक्सचर क्रिएट हो रखा है, तो आप कभी फील करेंगे पेज पर एक साइड रफ होता है, एक साइड प्लेन होता है। तो हम जिस साइड टेक्सचर होता है हल्का, उस साइड हमें वर्क करना होता है। वो इसलिए क्योंकि हमें इतना चिकना पेपर नहीं चाहिए, इतना स्मूथ पेपर भी नहीं चाहिए कि वो उस चीज़ को रुके भी ना। जैसे हम शेड करें तो बहुत ज़्यादा चिकना होगा तो फिर वो ढंग से हो भी नहीं पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी कि हल्का सा रफ ज़रूरी है, एटलीस्ट थोड़ा सा रफ होना चाहिए। किसी भी वर्क को करते हैं आप, सोप पेस्टल या चारकोल वगैरह, तो पाउडर बहुत पिसल जाएगा अगर सपोज हम सोप पेस्टल कर रहे हैं, चारकोल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होता है। तो इनको अगर हम करेंगे तो उसके लिए थोड़ी सी रफनेस बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो जब भी हम वर्क करते हैं हम शीट का रफ एरिया यूज़ करते हैं जहाँ पे टेक्सचर हो, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है ये समझ लेते हैं जरा। सपोज मेरे पास दो शीट्स हैं, ठीक है, एक इधर सेकंड, एक इधर बना देता हूँ। अब इसमें मैंने दो ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ सेम ही, एक एक मैंगो इधर, एक मैंगो इधर। ठीक है, अब दोनों मैंगो में से ज़्यादा बढ़िया सेकंड वाला लग रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये पूरी शीट पे अच्छे से कंपोज हो रखा है, बैलेंस्ड है। अब जैसे ये देखिए पूरा एरिया सारा छूट गया, ये कोने में बना हुआ है, तो पूरे पेज पे कंपोज करके बनाना है, इट्स कॉल्ड फॉर्म, ठीक है। जब भी आप छोटे बच्चों को देखा होगा, या हमने छोटे में भी क्या करते थे कि या तो हमसे बहुत ज़्यादा मैंगो या कोई भी ड्राइंग जब बनाते थे तो शीट से क्या हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा बन जाता था। सपोज हम बनाना स्टार्ट करते थे तो कभी कभी लगता था कि इतना एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कि आधा एरिया बन ही नहीं पाता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो बहुत ज़्यादा छोटा बनाते थे। कुछ बच्चों को देखा हो गया तो वो छोटे बच्चे कुछ ड्राइंग को बहुत छोटा बनाते हैं, कुछ बहुत बड़े बनाते हैं। तो इसलिए हमें जब भी कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं तो उसको पूरा कंपोज करना है पूरी शीट पे। ऐसा नहीं करना है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया है और वो उस पर शीट पे अच्छे से बने ही ना। आप कोई ग्लास बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट या कोई एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो आप जो भी चीज़ बनाए उसको पूरे पेज पे कंपोज करके बनाना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ पेंसिल्स के बारे में कि पेंसिल्स कितनी टाइप्स की होती हैं। पेंसिल टू टाइप्स की होती हैं, एच बी, ठीक है। एच और बी का यूज क्यों किया जाता है, मतलब ये पेंसिल किस लिए बनाई गई थी और ये पेंसिल किस लिए बनाई गई थी, ये भी जरा जान लेते हैं। ये पेंसिल बनाई गई है शेडिंग करने के लिए, ठीक है, और ये पेंसिल जो बनाई है ये ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, सिर्फ ड्राइंग करने के लिए। कोई भी चीज़ आपको ड्रॉ करनी है, आपने देखा होगा आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर, मतलब आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनर या जितने भी लोग हैं फैशन डिज़ाइनर वगैरह हैं, ये लोग एच वाली पेंसिल का यूज़ करते हैं ड्रॉ करने के लिए। हम लोग बी वाली पेंसिल का यूज़ करते हैं शेडिंग करने के लिए, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी जरा बता देता हूँ मैं आपको। एच फॉर मतलब हार्ड, ठीक है, और बी फॉर मतलब ब्लैक, ठीक है। तो ये होती है डार्केस्ट पेंसिल और ये होती है लाइट पेंसिल, ठीक है। इससे आप कितने भी डार्क शेड आप निकाल सकते हैं और ये इससे एक लिमिट तक ही डार्क आएगा, इससे एक ज़्यादा हाई डार्क नहीं आएगा। इस तरीके से स्केल होता है, सेंटर में हम एच बी को रखेंगे, राइट साइड जाएंगे तो 2B, 3B, 4B, करते करते 5B, 6B, 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट 12B। इस तरीके से सारे नंबर्स आ जाते हैं और सेम इस तरीके से इधर भी 2H, 3H, करते करते 7H, लास्ट 12H।
इस तरीके से नंबर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हमें जो यूज करना है, अब इस साइड जा रहे हैं तो ये पेंसिल क्या हो रही है, लाइट हो रही है, इस साइड जा रहे हैं तो पेंसिल डार्क हो रही है, ठीक है। इस साइड जा रहे तो पेंसिल डार्क हो रही है, इस साइड जा रहे तो लाइट हो रही है पेंसिल, ठीक है। अब हमें जो यूज करनी है वो पेंसिल कौन सी यूज करनी है, वो 8B यूज करेंगे या तो हम, या तो 10B यूज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को रीजन यूज करने के, दोनों सेम ही डार्कनेस होती है दोनों की, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। और इनका पेंसिल का यूज करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पेंसिल ना ज्यादा सॉफ्ट ग्रेफाइट नहीं होता। अगर हम 12B का यूज करेंगे तो पेंसिल का ना लेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है 12B का, तो 12B आप शार्प करोगे तो ये पेंसिल ना टूट जाती है, अगर एक बार गिर भी जाए तो अंदर से इसका जो लेड है ना पूरा टूट जाएगा। तो इसको मैं यही कहूंगा कि आप ना कोशिश करिए कि या तो 8B यूज करिए पेंसिल, या तो फिर 10B का, 8B या 10B, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर हम 8B का और 10B का अगर हम यूज करेंगे तो हम इससे क्या है सारे शेड निकाल सकते हैं। आप HB का शेड भी निकाल सकते हो, 2B का भी शेड निकाल सकते हो, 3B का भी, 4B का, आपको पेंसिल्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। आप हमें, हमारा मोटिव यही होता है, हम आगे भी यही सिखाते हैं कि आपको कोशिश करनी है कि एक ही पेंसिल से ज़्यादा वर्क कर सके, आपको पेंसिल चेंज नहीं करनी है, आपको अपनी पेंसिल से एक ही पेंसिल पर कमांड बनानी है। आप इसी से लाइट पेंसिल लाइट शेडिंग कर सको, इसी से आप ड्राइंग कर सको, इसी से आप डार्क शेड तो कर ही सकते हो, और इसके जो नीचे के शेड हैं वो सारे इजिली कर सको। वो तो हमारा ये मोटिव रहता है कि हम एक ही पेंसिल पर कमांड बनाएं, ठीक है। आपको ज़्यादा पेंसिल की हैबिट रहेगी तो आप बार बार पेंसिल चेंज करेंगे, पेंसिल को ढूंढेंगे, लाइट के लिए अलग पेंसिल कैरी करेंगे, मीडियम के लिए अलग कैरी करेंगे, डार्क के लिए अलग कैरी करेंगे, तो एक ही पेंसिल हम कैरी करेंगे जिससे सारे काम कर सकें। तो आगे हम यही सीखेंगे धीरे धीरे शेडिंग किस तरीके से करनी है। अब हम स्टार्ट करेंगे बॉक्स शेडिंग। बॉक्स शेडिंग किस तरीके से करना है और ये भी समझ लेते हैं जरा। इस तरीके से आपको कुछ बॉक्सेस ड्रॉ कर लेना है पहले, 10, 15, 20, जितने ज्यादा बॉक्सेस आप ड्रॉ करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। ये मैंने रफली कुछ बॉक्सेस ड्रॉ कर ली है, नंबरिंग कर सकते हो। अब जीरो वाला बॉक्स हमें छोड़ देना है। अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग है, एकदम बिगिनर लेवल पर हो आप, तो आपको एक HB पेंसिल होल्ड करनी है और एक 8B, ठीक है, या 10B। वो इसलिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे कि वो इतना लाइट शेड निकाल पाओ, तो कुछ लाइट बॉक्सेस के लिए आगे के जो लाइट शेडिंग करनी है तो इससे करेंगे, और जब डार्क बॉक्सेस डार्क शेडिंग करनी होगी तो हम इससे करेंगे। आगे जाके क्या करना होगा, फिर हम इस पेंसिल को हटा देंगे, सिर्फ इसको हम यूज़ नहीं करेंगे बिल्कुल, सिर्फ अब उसके आगे जाके कुछ टाइम के बाद हम सिर्फ एक ही पेंसिल का यूज़ करेंगे, 8B या 10B। अब वो देखिए किस तरीके से, अभी मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल पेंसिल होती है ना, जो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आगे के बॉक्सेस हमें रखने लाइट, हमें लाइट टू डार्क शेड्स करने हमें, ठीक है। आगे के बॉक्सेस लाइट करने के लिए पेंसिल को पीछे से होल्ड कर रहा हूं, देखिए किस तरीके से। फोर्टी फाइव डिग्री में शेड कर रहा हूं, और आप कोशिश करनी है बीच में गैप नहीं होना चाहिए, स्मूथ शेडिंग अभी हमें करना है फोकस, कि स्मूथ शेडिंग आए। कुछ बच्चे बहुत जल्दी जल्दी करके ख़त्म कर देते हैं और बीच में बहुत गैप बन जाता है, वो स्मूथ शेडिंग नहीं,
लाइनिंग शेडिंग होती है, वो आपको बताता हूँ किस तरीके से करते हैं वो बच्चे। फटाफट ना इस तरीके शेड करते हैं जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे करते करते, और बीच में गैप बन जाता है और पैचेस बन जाते हैं। तो इस तरीके से भी नहीं करना है आपको, फोकस करना है जितना आप स्मूथ शेड कर सके, और बहुत स्लोली स्लोली करना है आपको, धीरे धीरे फोकस करके, ठीक है। अब सेकंड में हमें फर्स्ट वाले से थोड़ा डार्क करना है, तो मैंने थोड़ा सा पेंसिल को आगे से होल्ड कर लिया है, और आपको पूरे बॉक्स में ना इक्वल शेड रखना है। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर डार्क हो गया नीचे आते आते लाइट हो गया, तो एक जैसा शेड रखना है आपको। और मैं हल्का कर, देखो किस तरीके से पेंसिल चला रहा हूँ, थोड़ा राउंड फॉर्म में भी चला रहा हूँ पेंसिल को, इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है। अब सेकंड वाले से थर्ड वाला बॉक्स एक पॉइंट और डार्क रहेगा, ऐसे ही हमें एक एक प्लस करते रहना है हर बॉक्स में, एक पॉइंट प्लस, फिर एक पॉइंट डार्क, एक पॉइंट डार्क करते करते हमें जितना हाईएस्ट डार्क निकाल सकते हैं, जितनी दूर तक हम शेड निकाल सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। इससे आपकी शेडिंग पर बहुत अच्छे से कमांड बनेगी, आपको प्रेशर कंट्रोल आएगा आपके हैंड में कि कब कितना प्रेशर डालना है पेंसिल पर, ठीक है। तो इसकी आपकी डेली, आप एटलीस्ट 10 बॉक्सेस की प्रैक्टिस डेली करिए। ऐसे फिफ्थ वाला बॉक्स पहले एकदम से डार्क नहीं करना है, पहले एक बेस शेड डालना है पूरे में, उसके बाद लेयर्स ऐड करनी, ना कि दबा के शेड करना। अगर दबा के शेड करेंगे आप तो वो लाइट के सामने बहुत शाइन आएगा शेडिंग पावर, और बहुत ज़्यादा चमकेगा बहुत ज़्यादा वो ना, और बहुत पीछे छप भी सकता है, ट्रेस भी हो जाएगा पीछे अगर आप ज़्यादा दबा के करेंगे तो। आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो अब मैं लेयर्स ऐड करूंगा, ना कि इसको दबा के करूंगा शेड। देखो एक एक पॉइंट आप ऐड करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, फोर्थ वाले से वो फिफ्थ वाला बॉक्स ऑटोमेटिक डार्क हो जाएगा। देखिए फोर्थ से फिफ्थ वाला बॉक्स डार्क हो गया है। अब धीरे धीरे सेम चीज, सेम प्रोसेस अब हम सिक्स में भी करेंगे, पहले एक लाइट शेड, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे इसमें हम लेयर्स ऐड करेंगे। अब देखिए सिक्स वाला एक पॉइंट और डार्क हो गया। अब मैं पेंसिल को धीरे धीरे आगे से पकड़ता जा रहा हूँ, पहले एक लाइट शेड, उसके बाद हल्का सा मैं प्रेशर डाल के एक लेयर और ऐड करूँगा इसमें। वो धीरे धीरे अब ये शेड दोनों इक्वल हो गया है, मेरे को सेम लग रहा है, तो मैं एक लेयर और ऐड करूँगा इसमें, जिससे कि वो एक पॉइंट और डार्क हो जाए, ठीक है। अब इससे ना इसमें एक लिमिट तक ही डार्क होगा इस पेंसिल तक। अब हमें चेंज करनी पड़ेगी पेंसिल, क्योंकि ये अब इससे ज़्यादा डार्क हो नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि हम दबाना नहीं चाहते ज़्यादा। अब मैं इस पेंसिल को यूज़ करूँगा, 8A 10B का, ठीक है, या 8B का यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास 10B है, इसलिए मैं 10B यूज़ कर रहा हूँ। पहले बेस शीट डालेंगे, जैसे कि हमने सेवन्थ वाले बॉक्स में करा था। अब उसी तरीके से इसमें भी लेयर्स ऐड करेंगे। अब ये डार्क पेंसिल है, अब हम इसमें जितना डार्क निकालना चाहें उतना निकाल सकते हैं धीरे धीरे, बस लेयर्स ऐड करनी है, क्योंकि ये डार्केस्ट पेंसिल है। इस पेंसिल से, HB पेंसिल से हम एक लिमिट तक ही डार्क शेड तक जा सकते थे, उससे हाई जाने के लिए हम पेंसिल चेंज करने पड़ेगी हमें। इसलिए हम कोशिश करेंगे कुछ टाइम के बाद कि इसी पेंसिल से हम ये शेड भी निकाल सकें, ये भी निकाल सकें, सारे हम इसी पेंसिल से कर सकें, ठीक है। आपको पेंसिल की ज़्यादा हैबिट नहीं डालनी है अलग अलग पेंसिल्स की, आपको कोशिश करनी है कि एक ही पेंसिल जितना अच्छे से काम करेंगे आप उतना अच्छा होगा आगे के लिए भी, ना तो आपको हर बार अलग अलग पेंसिल्स कैरी करने पड़ेंगी, खरीद के लेके आने पड़ेंगी। तो उससे अच्छा है जितना हम 10 पेंसिल में खर्चा करेंगे, उससे अच्छा एक पेंसिल ले लें, उसी से सारे काम करें हम।
अब देखिए धीरे धीरे ये एक पॉइंट डार्क होता जा रहा है। सेम अब नाइन्थ वाले बॉक्स में भी ऐसी, पहले लाइट शेड, फिर एक शेड और ऐड करा, फिर एक और बार ऐड करा, जब तक वो उससे एक एक पॉइंट डार्क ना हो जाए तब तक हम धीरे धीरे उसमें लेयर्स बढ़ाते रहेंगे। जब लगेगा कि हाँ अब एक पॉइंट डार्क हो गया फिर हम आगे मूव करेंगे, उससे पहले मूव नहीं करना है। आप किसी भी एंगल में कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री में ही करना है। काफ़ी लोग कहते हैं 45 डिग्री में ही करना है, बट ज़रूरी नहीं है आपको 45 डिग्री में करना है, लेकिन मेन जो मोटिव है वो है स्मूथ शेडिंग होनी चाहिए। आप किसी भी एंगल में करिए, एंगल्स नहीं दिखने चाहिए ऐसे ऐसे, कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं फिर ऐसे ऐसे, तो वो एंगल्स नहीं दिखने चाहिए, इतना स्मूथ होना चाहिए कि पता नहीं लगना चाहिए कि किस एंगल में पेंसिल को चलाया है। देखिए मैं ऐसे भी चलाऊंगा ऐसे भी चलाऊंगा तो वो एंगल्स नहीं दिखेंगे मेरी शेडिंग में ना। देखिए हर एंगल में चला रहा हूँ पेंसिल में, ज़रूरी नहीं है कि 45 डिग्री में ही चलाना है। बस ये है कि 45 डिग्री में थोड़ा अच्छे से शेड हो जाता है, करने में थोड़ा इजी होता है, बाकी आप किसी भी एंगल में कर सकते हैं जैसे भी आप कंफर्ट हो। अब देखो इस तरीके से आपको सारे बॉक्सेस करना है, बॉक्स वाइज बॉक्स चलना है सारे। अब इसको मैं हाईएस्ट थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा फटाफट। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ ठीक, जिससे कि नेक्स्ट टॉपिक पे जल्द चल सके। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से हम एक एक बॉक्स डार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्री हैंड शेडिंग। ठीक है, फ्री हैंड शेडिंग में क्या होता है कि आपको, अभी हमने अलग अलग बॉक्सेस में अलग अलग शेड करा था राइट, अब हम क्या करेंगे, लाइट मीडियम और डार्क तीनों को एक साथ करेंगे फ्रीडम तरीके से। कोई बॉक्स नहीं है, बस हमें डार्क मीडियम लाइट शेड निकालना है तीनों एक साथ। तो पहले जितना आप डार्क निकाल सकते हो उतना डार्क निकालेंगे, धीरे धीरे लेयर्स ऐड कर रहा हूँ मैं इधर इधर, और हाईएस्ट शेड दे रहा हूँ, दबा नहीं रहा हूँ, हल्का सा प्रेशर डाल रखा है, उसके बाद लेयर्स ऐड ज़्यादा कर रहा हूँ ना। तो मैं इसको आगे से पकड़ के दबा के कर भी सकता था, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है, ये पीछे इसका शेड आ जाएगा ठीक है, पीछे ट्रेस हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करनी है। डार्क मीडियम, अब धीरे धीरे मीडियम शेड की साइड आएंगे, उसके बाद धीरे 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 हम पेंसिल को पीछे से होल्ड करके, क्योंकि अभी हमें लाइट करना है, तो स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करा मैंने, फिर यहाँ आते 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 लाइट 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 और लाइट और लाइट करते करते, देखिए लाइट पेज पेपर का वाइट और हमारा लाइट शेड दोनों मिक्स होना चाहिए। ऐसा ना हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं डार्क मीडियम और लाइट शेड तो कर देते हैं, बट उनका दिखता है कि यहाँ पे एंड हो गया शेड, तो ये नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पर एंड होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। इसको और आगे तक आप मिक्स कर सकते हैं, जैसे अब ये अभी भी देखो यहाँ पे एंड दिख रहा है ना, इसलिए पेंसिल को पीछे से पकड़ के बहुत पीछे से और हल्का 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 इसको पेज के साथ मिक्स करना, जितना आप उसको लाइट मिक्स कर सकते हैं, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना। पेंसिल को पीछे से होल्ड करते करते पूरा गुम कर देना है कि ऐसा पता नहीं लगे कि वो शेड का एंड किधर हुआ है, जितना आप लाइट टोन मर्ज कर सकते हैं पेज के साथ ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फ्री हैंड शेडिंग। अब हम इसके बाद करेंगे जिगजैग शेडिंग। जिगजैग शेडिंग किस तरीके से होता है देखिए, डार्क मीडियम
लाइट फिर मीडियम फिर डार्क फिर और डार्क फिर धीरे धीरे मीडियम फिर और लाइट और लाइट जितना लाइट जा सकते हैं फिर धीरे 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 मीडियम फिर उसके बाद फिर डार्क हाईएस्ट डार्क फिर उसके बाद फिर मीडियम लाइट ऐसे करते करते तो ये क्या है एक रिदम बना हुआ है पैटर्न बना है जिगजैग डार्क मीडियम लाइट डार्क मीडियम लाइट डार्क मीडियम लाइट। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिगजैग शेडिंग करके। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है कि लाइनों को मिक्स कैसे करते हैं। सपोज ये एक लाइन है या ये एक लाइन है, इनको मिक्स कैसे करना है। इस लाइन पे मैं शेड करूंगा और मेरे को इधर की साइड इसको मिक्स करना है। तो हमने जो फ्री हैंड शेडिंग करा था वो इसमें ऐड कर देंगे। इस लाइन के ऊपर शेड करा हमने, फिर डार्क मीडियम फिर आगे जाते जाते लाइट। तो जितना आप बेसिक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे आगे उतना ही इजी रहेंगे सारी एक्सरसाइज। कोई भी आपको ड्राइंग बनाने में उतना ही आसान लगेगा वो चीज़ ना। ये देखो इस लाइन को कर्व कर करके मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ अंदर की साइड, देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइनों को मिक्स किया जाता है। पहले देखिए आउटलाइनिंग लग रहा था ना, अब वो कितना इजीली मिक्स हो गया। अगर मैं कोई भी सर्कल बना रहा हूँ या एक सिलेंडर बना के दिखाता हूँ आपको मैं, देखिए ये चीज मैंने एक सिलेंडर बनाया है। क्या इसको मैं 3D फॉर्म में कहूंगी कि 3D ऑब्जेक्ट है? नहीं ना, तो ये 2D फॉर्म है। अब ये 2D फॉर्म लग रहा है, अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्री हैंड शेडिंग और जो अभी चीज बताइए लाइनों को मिक्स कैसे करते हैं, इसको मैंने डार्क करा यहां से, ठीक है, और यहां से इसको डार्क करा, ठीक है, ये दो लाइन डार्क कर दी। अब इस लाइन पर मैं शेड कर रहा हूँ, जैसे बताया था लाइनों को मिक्स कैसे करते हैं, लाइन के ऊपर शेडिंग करी और फिर धीरे धीरे डार्क मीडियम फ्री हैंड शेडिंग की तरह डार्क मीडियम लाइट। ठीक है, सेम चीज इधर भी लाइन के ऊपर शेडिंग करी फिर फ्री हैंड शेडिंग डार्क मीडियम और धीरे 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 मर्ज कर दो लाइट के साथ। ठीक है, अब सेम चीज ऐसे नीचे भी करेंगे हम, नीचे की लाइनों के साथ भी हल्का हल्का हम नीचे की लाइन में मिक्स करेंगे ऊपर के साइड, लाइन के ऊपर शेडिंग कर करके ऊपर की साइड मिक्स करेंगे। सेम चीज है भी नीचे भी, ऊपर से भी और नीचे दोनों से, ऊपर की जो लाइन है वो नीचे नीचे मिक्स कर देंगे। इसकी शेडो वगैरह बनाएंगे तो ये और थोड़ा रियल लगने लगेगा और शेडो जितनी दूर जाएगी उतनी लाइट हो जाएगी। ठीक है, देखिए डार्क मीडियम लाइट। तो ये बेसिक्स हैं जो कि हर शेप में हर ड्राइंग में जो भी ब्लैक एंड वाइट शेडिंग हम करेंगे चीज़ें बनाएंगे उनमें ये यूज होती हैं ब्लैक एंड वाइट चीज़ों में। और यही इस तरीके से कलर में भी होता है, इन्हीं बेसिक से कलर में भी यूज़ होता है, बस कलर हो जाते हैं। लेकिन रहता यही फंडामेंटल में जो चीज़ें हैं किस तरीके से लाइन को मिक्स करना है, ट्रिक्स सारी यही सेम ही रहेंगी। तो ये तो हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिनकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। आपको लाइन सर्कल की प्रैक्टिस करनी है, ग्रेडिशंस लाइन्स की प्रैक्टिस करनी है, डार्क टू लाइट डार्क टू लाइट। अब देखिए आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है रफली पेज पे। अब देखिए कहीं भी मेरी लाइन टूटी नहीं है, लेकिन हर लाइन में एक वेरिएशन है आपको देखने को मिल रहा होगा। आप सर्कल्स लाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, वर्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन खींचने की प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे रफली पेपर पे ना, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन। उससे क्या होगा आपके ना हैंड मूवमेंट ठीक होगी। आप कोई भी शेप ड्रॉ करने से पहले आपको ये
कर लेंगे तो एक तरीके से वार्म अप है हम आर्ट मतलब ड्राइंग में, कि जब भी एक कोई डांसर डांस करने से पहले 5 मिनट का वार्म अप करता है, या जब जिम में जाते हैं तो वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा वार्म अप करते हैं जिससे कि बॉडी गर्म हो जाए। तो इसलिए लाइन सर्कल की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, रफली पेपर पे ना बस सर्कल्स बनाने, ओवर्स बनाने, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में लाइंस खींचनी है स्ट्रेट स्ट्रेट। तो उससे क्या होगा कि आपकी परफेक्शन आएगी शेप्स बनाने में, डर खुलेगा, लाइंस आपकी अच्छी होंगी, ठीक है, एक लाइंस में फोर्स नजर आएगा, आपके सर्कल्स अच्छे होंगे फिर कोई भी, क्योंकि मोस्टली चीजें लाइंस और सर्कल पे ही डिपेंड है। जब तक आपके सर्कल्स और लाइंस अच्छी नहीं होंगी तो आप कोई चीजें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ठीक से। सपोज मैंने आपको एक ग्लास बोला, अब मैं सिलेंडर बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी ओवल का यूज हुआ, दो स्ट्रेट लाइन का यूज हुआ, तब जाके वो शेप जल्दी बन गई। तो आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, आगे जाके हम काफी सारी चीजें, काफी टॉपिक्स आएंगे जहाँ पर आपको फ्री हैंड लाइन सर्कल बनाना होगा, वहां पर आपको स्केल का किसी चीज का यूज नहीं कर पाएंगे आप। तो अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे जाके जब उस टॉपिक तक आएंगे तो हमारी वो चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।